नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम कर रहे हैं टमाटर के प्लांट की जो पौध की बंधाई, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कैसे बंधाई की जाती है और ये हमने कहां से लाए बंधाई करने के लिए, धागा कहां से लाया प्लास्टिक का, और मतलब क्या रेट रहा, क्या किस किस दाम से मिला, और टमाटर की बंधाई करना क्यों ज़रूरी होती है, और बंधाई करने से क्या फ़ायदे होते हैं फार्मर को, और फ्रूट कैसे बंधाई करने से ऊपर पेड़ पे ही लटका रहता है और फ्रूट क्यों नहीं सड़ता गलता है बंधाई करने से। अगर बंधाई ना करें तो फ्रूट जो सड़ गल जाता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे जो इसकी बंधाई की जाती है टमाटर की। वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी आने वाली वीडियो होगी उसकी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके और कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये मेरा टमाटर का प्लॉट देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा, इसमें जो है फ्रूट्स हैं, काफ़ी अच्छे फल लगे हुए इसमें, और अब इसकी हमने लीफ कटिंग पत्तों की कटाई कर दी और अब बचा काम इसका बंधाई का। तो कुछ एक हिस्सा हमने जो बंधाई कर दिया, कुछ एक हिस्सा बचा है बंधाई के लिए। तो अभी मैं आपके सामने बंधाई करूंगा कैसे जो है गाड़ दी जाती है और कैसे इसको जो अगले साल के लिए भी धागों को यूज़ किया जाता है। तो वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहें। तो अभी हम करेंगे पहले, सबसे पहले काम करेंगे, सुबह जो है धागा कम पड़ गया तो आज मैं नया धागा लाया, एक रोल हार्डवेयर की शॉप से जो है परचेज करके खरीद करके, तो इसका ये 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। इसको हम जो है तलाई करके लाए हैं, तोल के इसका ये मिला मुझे, कम दाम में ही मिल गया, 100 से 120 का मिला मुझे लगता। मैंने और सामान भी लिया तो उसके साथ इसको भी पैक किया था। तो ये अलग कलर का है, ये ब्लू डार्क ब्लू का था, ये लाइट ब्लू कलर का है। तो अब इसको जो हम निकालेंगे कैंची से, इसका जो है इसको कटाई करेंगे और इसको निकालेंगे और इसके जो है बराबर रेसे बनाएंगे, बराबर जो धागे काटेंगे। मैं आपको बताऊंगा कितना धागा काटना है और किस हिसाब से काटना है जिससे फार्मर को बचत हो सके और आगे भी आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए भी काम आए। तो ये देखते इसकी हम जो कर रहे हैं कटाई। तो ये मेरा धागे का रोल, इसको जो है हम दूसरी तरफ से खोलेंगे, इस तरफ से नहीं खोलेंगे, वैसे खोला तो इस तरफ से ही जाता है मगर इसको इस तरफ जो इसमें डबल गांठ बजी हुई है। तो अब हम इसको जो बाहर की तरफ से खोलेंगे, इसको निकाल लेंगे खींच कर। तो ये तो इसको हम जो यहाँ से खोलेंगे, इसको जो अंदर डाल देंगे, यहाँ से जो हम खोलने स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ से खोलने स्टार्ट करेंगे। एक हमने सैम्पलिंग के लिए धागा बनाया हुआ है, ये एक सैम्पलिंग के लिए बनाया हुआ है, सैम्पल बनाया था एक प्लांट का। इस सैम्पलिंग के हिसाब से हम इसको जो है ऐसे करके काटते जाएंगे, इतना इतना जो इसको काटते जाएंगे, तकरीबन जो है सवा मीटर जो इसको काटते जाएंगे, सवा मीटर के हिसाब से इसमें जो है कटाई करेंगे। तो आपके सामने देख सकते ऐसे जो इसकी कटाई की जाएगी, ऐसे ऐसे करके जो ऐसे करके जो इसकी कटाई करते जाएंगे, आपके सामने कटाई करेंगे हम, ऐसे ऐसे करके कटाई करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है कटाई करेंगे और कैसे इसकी बंधाई करेंगे, इस हिसाब से इसकी कटाई करते जाएंगे। तो कटाई करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैंची से कटाई करेंगे, कैंची बड़ी हुई इसको यहाँ से काट देंगे और दूसरे हाथ से यहाँ से काटेंगे और बराबर धागे कटाई करेंगे और इसको जो बंधाई करेंगे। तो आपके सामने बंधाई करूँगा, तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। तो अभी मैं कटाई कर लेता हूँ, तो उसके बाद आपको बंधाई करते समय बताऊँगा कैसे जो है बंधाई की जाती है, क्योंकि हमारे पास कैमरा मैन कम है और कटाई भी खुद ही करनी है इन धागों की, और इसके जो धागे बराबर धागे काटने हैं। तो अभी हम धागे काट लेते हैं, तो आगे सेम यही सिचुएशन रहेगी, इसकी धागे की गुच्छी बनाई जाएगी और गुच्छियाँ यहाँ जो आगे इस बांधने के काम आएगी। तो हम जो है अभी धागे काटने का काम चला हुआ है। तो अभी हमने जो धागे की कटाई कर ली, तो धागे की कटाई करके गुच्छियाँ बराबर बांध ली, एक गुच्छी वहाँ रख दी और एक यहाँ, हम लगते लगते धागे काटेंगे जितने लग जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट काटेंगे। तो ये एक एक धागा करके ऐसे ऐसे जो धागा निकाल लिया ऐसा करके, तो एक धागे से जो हम दो प्लांट जो कवर कर सकते हैं, दो पौध जो बांध सकते हैं। तो आपके सामने ऐसे बंधाई करूँगा, देख सकते हैं इसको जो है ऐसे करके जो है ऐसे करके जो है एक ऐसे धागा ले लें और लकड़ी के चारों तरफ जो ऐसे धागा लाएँ लगाएँ और प्लांट को जो है अंदर रख दें ताकि मतलब प्लांट जो है ख़राब ना हो, ऐसे करके जो है बांध सकते हैं।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी बधाई क्यों की जाती है। इसकी बधाई इसलिए की जाती है क्योंकि आगे चलकर जो है ये प्लांट के जो फ्रूट आएगा, फ्रूट ज़्यादा फ्रूट आएगा तो इसमें भार डलेगा और भार डलने के जो है ये प्लांट के जो है तितर बितर हो जाएंगे। जैसे अभी ये एक ऐसे गिर गया था ये वाला, ये प्लांट जो ऐसे गिर गया था, ऐसे ही मैंने इसको उठाया तो अब इसकी बंधाई हो जाएगी तो ये बिल्कुल यहाँ जो जकड़ जाएगा, इसको जो जकड़ जाएगा, जकड़ में आ जाएगी, इसमें आपसी पकड़ आ जाएगी और ये प्लांट खड़ा रहेगा। और आगे चलकर कुछ दिनों बाद बरसात भी आने वाली है, अगर ये प्लांट जो खड़ा नहीं रहा बरसात के टाइम खड़ा नहीं रहा और गिर गया नीचे तो ये जो है इसके फ्रूट्स जो टमाटर जो है दाने धरती में लग जाएंगे मिट्टी के साथ, और जब मिट्टी के साथ लगेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इनको जो फसल को बचाने के लिए इसकी बंधाई करनी पड़ती है और आप काम करने के लिए भी आसानी रहती है। और जैसे आगे चलकर इसको निकालना है हमने, टमाटर को तोड़ना है, पानी देना है या अगर कोई भी काम करना है तो इस काम करने में भी आसानी रहती है। और इसलिए इसकी जो बधाई की जाती है, बधाई से प्लांट जो सुरक्षित रहते हैं, फ्रूट भी सुरक्षित रहता है, फ्रूट फल और पौधे सुरक्षित रहते हैं। इससे जो फार्मर को अच्छा बेनिफिट होता है, अच्छा मुनाफा होता है, अच्छी प्रोडक्शन निकलती है और साइज बार भी अच्छा बनता है और दाना भी साफ निकलता है और आगे ग्रेडिंग होती है तो माल की ग्रेडिंग के समय जो है दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए इसकी बंधाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू बंधाई करते जाएंगे दोस्तों, आगे आगे चलकर जो इसकी बंधाई करते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो बंधाई का भी लेवल होता है, ऐसे बंधाई जो प्लांट की जो है मतलब मीडियोकर में करें, ना ही ज़्यादा नीचे करें ना ही ज़्यादा ऊपर करें। अगर हम ज़्यादा नीचे करेंगे तो ऊपर प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो ऊपर से गिर जाएगा, अगर ज़्यादा नीचे करेंगे तो ज़्यादा ऊपर करेंगे तो नीचे वाले छोटे छोटे जो छोटे छोटी डालियाँ वो नीचे रह जाएगी। इसलिए इसकी प्लांट के साइज़ के हिसाब से बंधाई करनी पड़ती है। प्लांट के जो है आधे में बंधाई कर दें, आधे से थोड़े से ऊपर बंधाई कर दें ताकि प्लांट बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा भी हो जाए तो उसमें जो है उसके सहारे ही रुक जाए। तो अब इसकी डालियाँ जो इसके जैसे इसके सहारे ये बंधाई के सहारे जो टिक जाएगी, जैसे यहाँ इसकी बंधाई नहीं की तो यहाँ जो डाल इसके तितर बितर रहे निकल रहे हैं, अब इसकी बंधाई करेंगे तो ये इसमें जकड़ जाएगा और इसमें आपसी मजबूती आ जाएगी और आपसी पकड़ आ जाएगी और जो लकड़ियाँ लगाई ये भी मजबूत हो जाएगी क्योंकि इनको जो चारों तरफ से पकड़ मिल जाएगी और ये मजबूत हो जाएगी। तो ये अब आप सोच रहे हैं इसको जो है इस तरह की गांठ क्यों दी, तो इस तरह की गांठ इसलिए दी जब हम लकड़ी निकालेंगे तो ये प्लास्टिक होता है इसको जो है निकालने में परेशानी रहती है। दूसरा एक दूसरी जूट की रस्सी होती है वो निकाले तो वो फटाक से टूट जाती है, तो ये टूटता नहीं है तो इसको जो हम यहाँ से निकाल कर ऐसे खोल भी सकते हैं और ये धागे जो है इसको स्टॉक करके रख सकते हैं और अगले साल भी काम आ जाएगा। जैसे कुछ हमने धागे पिछले साल के रखे थे और 3 रोल अभी लिए, तो ऐसे ऐसे करके जो है पैसे की बचत होती जाएगी और ये धागे भी अगले साल काम आ जाएंगे। तो इसी तरह से टमाटर की प्लांट की जो बधाई की जाती है दोस्तों, बधाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना बधाई के जो टमाटर के प्लांट के जो फ्रूट्स जो है प्लांट भी मर सकते हैं और फ्रूट जो है सड़ जाता है, तो इसलिए इसकी बधाई बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे कृषि के बारे में यूट्यूब के माध्यम से आपको जो अनेकों जानकारी मैं शेयर करता रहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके और कृषि के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सके। तो देख सकते कितना अच्छा फ्रूट्स है और कितनी अच्छी फसल दिख रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।